हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूँ? आई एम एट द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ कर्नाटका एंड दिस इज द साउथ टूर विद द मलंग मैन। कोहरा ही कोहरा। पिछले वीडियो में हमने एक धमाकेदार स्टार्ट किया अपनी साउथ इंडिया रोड ट्रिप का और गोवा से निकले थे हम लोग मैंगलोर के लिए। पिछला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो निकलते हुए तो आधा दिन हमने वही निकाल दिया। 12 बजे हम लोग निकले एंड ऑलमोस्ट कारवार तक हम लोग पहुँचने वाले थे। तो आज का ये एपिसोड वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती हैं तो छोटी सी चीज़ मेरे लिए कर दीजिए, लाइक करके जाइए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंजॉय द वीडियो। हम लोग जा रहे हैं मार्गो टाउन की तरफ से। बिजी हसलिंग एंड बसलिंग है ना, और गर्मी एट इट्स पीक, बट इतने ब्यूटीफुल चर्चेस देख के मेरा मूड बहुत खुश हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। यू नो आर सदर्न स्टेट्स इंडिया, द साउथ ऑफ इंडिया जो इतने भी स्टेट्स हैं, देज आर वेरी वेरी डाइवर्स, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है उनकी, जगह जगह डाइवर्सिटी है। बहुत सही लगेगा, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। आर्किटेक्चर, पुराना आर्किटेक्चर देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने लखनऊ में भी गज़ब के आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग कभी लखनऊ आते हो तो हमें ज़रूर याद करना। बस देखो यार, कितने अलग टाइप की बस है यहाँ पे, एकदम एस्थेटिक टाइप। और अभी तक के लिए रोड काफ़ी अच्छी हैं यार, मार्गो तक की, गोवा से यहाँ तक बहुत, मतलब गोवा मार्गो तक की रोड्स अभी तक बहुत सही हैं, आगे भी रोड्स आई होप अच्छी ही हो। चलिए, चीज़ आए हैं अभी और उसमें हम अपना जलवा और अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए। ये देखो भाई, मतलब हल्के हल्के से ट्विस्टीज हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, और साफ सुथरा एटमॉस्फेयर, बढ़िया से पेड़ वेड़ सब लगे हुए हैं। ये चेक करो आप, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास लीग। ये टू कनकोना, क्या बात है, कनकोना आ गए हैं हम लोग। और मैंगलोर यहाँ से रह गया है 300 किलोमीटर्स, अभी भी 5 घंटा लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है। समय हो रहा है सुबह दिन के 2:17 और अभी हम लोग कुछ टाइम बाद कोस्टल रूट पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द, तो बस आप लोग बने रहना, बस थोड़ी सी दूर और उसके बाद बेहतरीन नज़ारे आपको मिलेंगे। तो चलता है कोस्टल रूट की तरफ। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अनटिल दिस हैपेंड। तो यार देखो, यही फ़ायदा होता है ट्यूबलेस टायर का और नुकसान ट्यूब टायर का। इस आदमी का टायर जो है ये अब दूसरी बार पंचर हुआ है आज, ये देखो। मुझे लग ही रहा था इसके हवा, टायर में हवा कम है और लो पंचर का हो गया। अबे यार तुम ट्यूब टायर वाली गाड़ी मत चलाओ अगर तुम्हें टूर करना है तो। और क्या, मैं सोचने ही वाला था कि कुछ खाने के लिए रुकते हैं, ले ओ। खाना खाने
और हिमालयन आरएसए को हमने कॉल कर दिया है। उधर उधर वो उधर उधर वहाँ पे लगाते हैं। संडे का रात क्या हुआ, 24/7 रहना चाहिए ना। आरे से वो बोल रहे हैं, उधर फोन ही नहीं उठा रहे। कैसे हो? अभी हम एक रेस्टोरेंट पे हैं, इसका नाम है फिश एंड बोन। और सभी लोग थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, राइडिंग गियर पहन पहन के पसीना निकल गया था। और प्रभात का आरएसए वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आज संडे है, तो जो आरएसए की एक कस्टमर केयर की टीम होती है और एक एक्चुअल ग्राउंड की टीम होती है, जो ग्राउंड की टीम है उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा कस्टमर। तो अभी टाइम तो अभी टाइम तो ये अभी चौका लगा रहे हैं ना, तो नाक में जा रहा है। बाकी कोई बात नहीं, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। और आज मैंगलोर का मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी। सभी लोग यहाँ खांसने में लगे हुए हैं, सभी लोग ये तो धोती खोल रहा है। A few moments later, हमारा फिश बोन पे यहाँ तो खाना ख़त्म हो गया, कह रहे थे कि हम क्लोज कर रहे हैं। और साउथ में ये सीन बता रहे हैं कि 3-3:30 बजे तक सब बंद कर देते हैं। अब आगे जा रहे हैं, एक मेपल है वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई बहुत ख़तरनाक गर्मी है यार, बहुत गंदी गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मुंह नहीं धोया ना तब तक आराम में नहीं मिला, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब जाके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता आज उड़ी मैंगलोर तो छोड़ो आज उड़ीपी भी जा पाएंगे, बट चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा देखेंगे। एंड आगे भी शायद ऐसे रहे, बट ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। इसी बात पे लाइक जरूर कर देना वीडियो को। राइट चलो खाते हैं फिर बताते हैं। तो उस वाले रेस्टोरेंट से हमें भगा दिया गया क्योंकि वहाँ पे खाना था नहीं, तो सब लोग मुँह उठा के यहाँ पहुँच गए। सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप से पहले मेपल रेस्टोरेंट था, तो अब यहीं पे हम लोग आए हैं। यहीं पे फिश थाली वगैरह सबने मंगाई है, कुछ ने वेजिटेबल थाली मंगाई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो अभी थोड़ा पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा शांत लग रहा है। तो राइडिंग वाइडिंग गियर्स पहन के ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, मतलब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हो ही रही है पसीना से ना, थोड़ा सा ना डिहाइड्रेशन टाइप का हो जाता है। अभी थोड़ा सब लोग रिलैक्स हो गए, खाएंगे पिएंगे आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक पहुँच सकेंगे। आज मैंगलोर करना चाहें तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, बट वो फिर से वही टायरिंग हो जाएगा ना, कंटेंट का टाइम मिल पा रहा है ना किसी चीज़ का टाइम मिल पा रहा है। तो देखते हैं शायद उड़ीपी में रुक जाएंगे या उससे कहीं पहले रुक जाएंगे। चलो फिर बाकी खाना आता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी तो जग सुना लागे वाला हो रहा है, मोए और कूलिंग में क्या है। तो सभी सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे थोड़े हमने चाय मंगाई है। प्रभात का भी हमें फ़ोन आया था कि उसे मैकेनिक मिल गया, भाई वो मैकेनिक के घर पे पहुँच गया कि भाई मेरे को जाके टायर बनवाना है अपना। और अब हो सकता है हम लोग कारवार में ही रुकेंगे और कल हम लोग निकलेंगे मैंगलोर के लिए और वहाँ से फिर हम जाएंगे मैसूरू में। जैसा मैंने आपको बताया था टॉप प्लेट टूट गई है तो वो बनवानी है। बाकी यही सब चीज़ें हैं जो कहानियाँ बनती हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनती हैं, चाहे सस्पेंशन टूटे से लेके हो, चाहे स्पीति आने से जब ब्रेक फेल हो गया वो, तो ये सब चीज़ें चलती है। बाकी सबके चेहरे जो हैं वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बयां कर रहे हैं, जैसे ये एक आदमी है इसकी हालत ख़राब है महाराज, ये भाई सोच रहा है मैं कहाँ फंस गया, भाई मैं तो राइड करने आया था, आज तो ओडीपी भी नहीं पहुँच रहे। तो कोई बात नहीं यार, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जल्दी निकलना चाहिए। सब जुड़ बोलते हैं, 11 बजे 12 बजे जल्दी होता है। तो कोई बात नहीं यार, करेंगे सब होगा। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो अभी भी हम लोग ओडीपी जा सकते थे, बट अब कारवार में रुक रहे हैं। वेल विद दैट सेड, चाय एंजॉय करते हैं और प्रभात का आगे वेट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। फॉर आवर्स लेटर
चार घंटा वेट करने के बाद अब जाके काम हुआ, और आधा भी पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ। अब बाकी हम स्टे करेंगे अब हम कारवा में, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे कल मैंगलोर के लिए। चेक इन करते हैं, सीधा रूम में मिलता है। नींद की कमी और इतना ज़्यादा धूप में समय बिताने के बाद हम लोग जब रात में पहुँचे तो इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। जो हाल लखनऊ से गोवा आने में हुआ था वही सेम हाल आज हुआ। तो सामान रखा, कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेटते ही स्विच ऑफ। The next morning. Good morning, you lovely people. Another day, another adventure. मैं हूँ The Malang Man, and आज के वीडियो का चलिए आगाज करते हैं। तो आज की डेस्टिनेशन है हमारी कारवा से मैंगलोर। यहाँ से पड़ेगा 6 घंटा, मतलब रुकते रुकाते, और बीच में हमारा एक फ्रेंड भी मिलने वाला है जो कि हमारी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार मिलते हैं, मैंने कहा डेफिनेटली वाई नॉट। तो वो लोग मिलने वाले हैं हमें उड़ीपी में, वहाँ से हम लोग लेंगे बढ़िया सा कोस्टल रूट, और उसके बाद दोबारा से मैंगलोर उड़ीपी हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट उनसे मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, 11 बजने वाला है, सुबह 8 बजे निकलना था। आई नो आई एम नॉट कीपिंग माई वर्ड्स, बट यार वो जो चेन ऑफ इवेंट शुरू हुए ना वहाँ से, और जो थकान है मोटरसूल की वो अभी तक जारी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके बफर पे टाइम ले लो। मुझे क्या करना चाहिए था, 3 तारीख का प्लान बनाना चाहिए था, 3 तारीख को निकलना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं यार, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलते हैं नई एनर्जी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है साउथ ऑफ इंडिया रोड ट्रिप में। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये देखिए हमारी साउथ इंडिया की पहली टनल। हम लोग लद्दाख गए थे, वहाँ पर हमने टनल ही टनल देखी थी, इतनी सारी टनल देखी थी, बहुत मज़ा आया था। पता नहीं क्यों टनल अच्छी लगती है, छोटा बच्चा जाग जाता है अंदर का, आने के लिए दूसरी है, जाने के लिए दूसरी है। काफ़ी बढ़िया लग रही है और लंबी भी है अच्छी खासी। बट सबसे लंबी तो आपको पता है कौन सी है, सबसे लंबी है अपने में इंडिया की अटल टनल, जो कि है अराउंड 10 किलोमीटर की। चलो फिर पहाड़ वहाड़ चीरते हुए टनल बनाई है। चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, क्योंकि मेरा ड्रीम था साउथ इंडिया घूमने का। यार मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, इतने सारे लोग बुला रहे थे। तो अब सभी से मिलेंगे, मज़े करेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस दिखाएंगे। साउथ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है जब से कर्नाटका में अंदर घुसे हैं। बेहतरीन हरियाली हरियाली हर जगह, मौसम साफ़ है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है पर रात तक जो है मौसम सही हो जाता है। अदर देन दैट भाई लोग भी अच्छे हैं, खाना तो बहुत ही बेहतरीन है अभी तक, तो आगे भी आई एम श्योर खाना अच्छा होता रहेगा। मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार बहुत अमेजिंग ये रोड ट्रिप होने वाली है, एंड आपको भी मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी मस्ट गो प्लेसेस भी दिखा दूंगा, वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब डिटेल में पूरा आपकी आपसे बातचीत होगी। तो देखना ज़रूर और अपना पूरा प्यार इसे दिखाना। तो इस बात पे सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। गन्ने का जूस पीते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, है ना। चलो ये रहा।